जहांगीर तरीन और अली तरीन की शुगर स्कैंडल में एक और पेशी, एक बार फिर पावर शो। 26 सरकारी संधि के साथ कोस्टर में बैठकर अदालत आए, सवा साल से वजीर आजम हाउस नहीं गया, मुकदमात के पीछे किसका हाथ है, करदार खुशी करने वाले का जल्द पता चल जाएगा। जहांगीर तरीन की वार्निंग, अदालत ने 3 मई तक जमानत में तौसी कर दी। अगर इसी तरह रवैया रखा गया, कुछ दोस्तों के कहने पे आपने इसी तरह रवैया रखा, तो फिर हम भी मजबूर होंगे, फिर हम भी कोई कदम उठा सकते हैं। इसलिए मेहरबानी करके हम ये आपको आज आखिरी दफा कह रहे हैं रियासत मदीना में कि हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ न मिला तो सख्त इकदाम पर मजबूर हो जाएंगे, फैसलों में आजाद होंगे। जहांगीर तरीन के हिमायती अरकान असेंबली की वार्निंग, आइंदा का लाहे अमल जल्द सामने लाने का ऐलान। अदालती फैसले जारी होने से कबल कयास आराई ना की जाए, ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जमानत का फैसला, जजेस के दस्तखत होने पर मीडिया को जारी कर दिया जाएगा तर्जमान, लाहौर हाईकोर्ट। मुल्क भर में कोरोना से मजीद एक दिन में 112 मरीज दम तोड़ गए, अम्बाद की तादाद 16,000 से तजावुज कर गई, 4,976 नए केसेज रिपोर्ट। बलोचिस्तान में 1 मई तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज, साहिवाल में एहसास कफालत मरकज पर खवातीन का रश, SOPs फरामोश कर दी। कराची के ताजरों ने आज कारोबार बंद रखने का हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया, मार्केटें खुली रखने का ऐलान, रात के औकात में भी कारोबार की इजाजत देने का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा में भी आज और कल कारोबार मुकम्मल बंद रखने का ऐलान, हसास अजला में SOPs पर अमल दरामद के लिए फौज से मदद लेने का फैसला। चारसदा में निजी स्कूल बालिकाओं ने कोरोना पाबंदियां हवा में उड़ा दी, ज्यादातर प्राइवेट तालीमी इदारे खुल गए, बच्चों को यूनिफॉर्म में न आने की हिदायत, इंतजामिया ने शोक साथ ली। डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिमान की सजा के खिलाफ अपीलें समाप्त के लिए मुकर्रर, इस्लामाबाद हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच पीर को अपीलों पर समाप्त करेगा। कलदम जमातों की फहरिस्त में TLP का 79वां नंबर, किसी भी किस्म की फंडिंग, दहशतगर्दों की माली मदद तसव्वुर की जाएगी। नेक्टा का चीफ सेक्रेटरीज को खत, तहरीके लब्बैक की बतौर सियासी जमात तहलील के लिए रेफरेंस दायर करने में ताखीर। सोशल मीडिया के जरिए ब्लैकमेलिंग के केस में तफ्तीशी अफसर से अदालत की नाराजगी, जज ने FIA के तफ्तीशी अफसर को सजा के तौर पर कचहरे में बिठा दिया, पता नहीं कैसे लोगों को भर्ती कर लिया है, लगता है इन्हें काम नहीं पैसा बनाने के लिए लगाया गया। खवातीन को हिरासा करने के केस में रिमांड। चीनी माइंस एंड मिनरल रेफरेंस में वजीर जंगलात पंजाब सिप्तैन खान समेत दीगर की पेशी, शरीक इश्तहारी मुलिम की जायदादों का रिकॉर्ड 17 मई को तलब कर लिया। जामशोरों कोल माइंस में नामालूम अफराद ने 300 मैट्रिक टन कोयले को आग लगा दी, लाखों रुपए का नुकसान, मुलजिमान ने भत्ता न देने पर कोयला चलाया, कंपनी मैनेजर का दावा। PIA के पायलट्स पर रोजा रखकर परवाज उड़ाने पर पाबंदी लगा दी गई, रोजे रखने वाले पायलट्स को रुखसत पर जाने की हिदायत जारी। कोहिस्तान में पिकअप गाड़ी खाई में जा गिरी, FWO के 2 अफराद जान से गए, मैयतें अस्पताल मुंतकिल। कोयटा में जिले इंतजामिया ने गरा फरोशों के खिलाफ कमर कस ली, जायद कीमतों में अशिया खुरनोश फरोख करने पर 5 दुकानें सील, 6 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। पिशावर के मिर्च मंडी में पख्तूनख्वा फूड अथॉरिटी की कार्रवाई, 1200 किलो मुजर सेहत मसाला जात और 15,000 किलो नाकिस चाय की पत्ती बरामद, फैक्ट्री सील कर दी गई। रमजान में भी पानी की अदम फराहमी, कराची में बिला तातुल फराहमी आब, अधूरा ख्वाब, शाह फैसल कॉलोनी, कोरंगी, मलीर और लांडी समेत मुख्तलिफ इलाकों में शहरी अजियत का शिकार, वाटर बोर्ड हुकाम ने वजूहात तकनीकी करार दे दी, मसला जल्द हल होने का दावा कर दिया।
वजीर खारजा 3 रोजा सरकारी दौरे पर आज मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगे। अमराती हुकाम से मुलाकातों में तिजारत, सरमायाकारी, पाकिस्तानियों की फलाह और मुलाजमत के मौके पर बातचीत होगी। बरतानवी शहजादा फिलिप की आखिरी रसूमात आज अदा की जाएंगी। सिर्फ 30 अफराद शिरकत करेंगे। मलका एलिजाबेथ ने प्रिंस फिलिप के साथ पुरानी तस्वीर शेयर कर दी। मामूली जख्म में भी ज्यादा खून बहने की मौरूसी बीमारी, मरीजों में खुरियों का निजाम नाकारा हो जाता है। मुल्क भर में हेमोफीलिया की बीमारी से आगाही का दिन, तिब्बी माहरीन का कजन्स वायरस की हौसला शिकनी का मशवरा। ये एक लाइफ लॉन्ग बीमारी है, इससे कोई क्योर अभी तक इसका नहीं है किसी के पास भी। बार बार हमें इसके फैक्टर जो हैं वो लगाने पड़ते हैं, ब्लड के फैक्टर लगाना पड़ते हैं और वो महंगा इलाज है। पाकिस्तान ने आखिरी T20 में जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर सीरीज 3-1 से जीत ली। फहीम अशरफ मैन ऑफ द मैच और बाबर आजम मैन ऑफ द सीरीज करा। T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम और मीडिया को वीजों और सिक्योरिटी के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। मेगा इवेंट अक्टूबर नवंबर में भारत में मुनाकिद होगा। पाकिस्तानी कोपैमाओं ने तारीख रकम कर दी। सरबाज खान और अब्दुल जोशी ने नेपाल में दुनिया की 10वीं बड़ी चोटी अन्नपूर्णा सर कर लिया। अदाकारा कुबरा खान के साथ आइस स्केटिंग, अदाकार असद सिद्दीकी गिर गए। दिलचस्प वीडियो सोशल मीडिया पर मकबूल। और कव्वाली को नए अंदाज में मकबूलियत बख्शने वाले अजीज मियां कव्वाल की यादें, मद्दाह आज उनका 79वां यौम पैदाइश मना रहे हैं।